हर 6 महीने के बाद में हमको इस पूरे टैंक को साफ कर लेना है, और टैंक को साफ करने के बाद में फिर नई तरीके से फिर इसमें कल्चर वगैरह करने, क्योंकि 6 महीने अगर हम इसमें लगातार करते रहेंगे तो उसमें फिर आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अच्छी बढ़वार के लिए हमको हर छः महीने के बाद में इस पूरे टैंक को खाली करना है, और टैंक को खाली करने के बाद में जैसा मैंने पहले बताया आपको कि उसमें समुचित मात्रा में गोबर की खाद और आपका पानी, साथ में सिंगल सुपर फास्फेट, और अच्छी बढ़वार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी इसमें साथ में इसको इसमें डाल सकते हैं पानी के घोल में। तो इससे भी अच्छी बढ़वार आएगी, क्योंकि जो भी हम सूक्ष्म पोषक तत्व या और पोषक तत्व इसमें डालेंगे वो अजोला के द्वारा हमारे पशुओं को भी अंदर जाते हैं। तो हमारा अच्छा बढ़ा हुआ जो अजोला है, जो करीब 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है, वो उससे करीब करीब 200 ग्राम अजोला प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन हम निकाल सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि ये अजोला को जो उत्पादन करते हैं, कि जो खेती करते हैं, उसमें कुछ सावधानियां भी रखने की जरूरत है। पहली सावधानी तो यह है कि टैंक को अपने जो छायादार जगह है वहीं पे बनाएं, और साथ में क्या है, जो हमारा पशु बाड़ा है, पशुओं का बाड़ा है, कोशिश करें कि हमारी इसमें खर्चा कम आए, इसके लिए पशुबाड़े के पास में ही करना चाहिए। क्योंकि जब पशुबाड़ा के पास में हम टैंक बनाते हैं तो क्या होता है कि हम जब भी हमको थोड़ा टाइम मिल जाता है पशुओं के देखभाल का, साथ में हम इस अजोला के टैंक का भी देखभाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये हर हालत में समतल होना चाहिए टैंक। अगर समतल नहीं होगा और आपका थोड़ा सा एक तरफ ढलान है तो क्या होगा कि जो पानी का भराव है वो एक तरफ ज्यादा रहेगा। साथ साथ में क्या है, जो हमने आपको इसमें गोबर और मिट्टी और पोषक तत्वों को मिलाने की बात कही, जब हमारा ढलान एक तरफ को होगा या असमतल इसकी जगह होगी तो क्या होगा कि ये सारे जो मटेरियल है ये सब एक तरफ को चले जाएंगे। जब एक तरफ को चले जाएंगे तो क्या होगा कि दूसरी तरफ की बढ़वार अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए समतल होना चाहिए। साथ साथ में क्या है कि इसकी देखभाल करने के लिए, अगर जब देखें हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है वायुमंडल का, तो आपके बाजार में जो ग्रीन नेट सेट मिलता है, तो इस तरह का हम ऊपर से इसका नेट सेट भी लगा सकते हैं। नेट सेट लगाने से क्या होता है कि जो आपकी सूरज की रोशनी है वो करीब 25 जिस तरह का नेट सेट लेंगे उस तरह की उसकी रोशनी को कम कर देगा। तो इसकी जो गर्मियों में जब मुख्यतः 25 से 50% जो है जो सूरज की रोशनी, उसी की आवश्यकता होती है इसको। तो जो नेट सेट हम लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि सूरज की रोशनी सीधे इस पर नहीं पड़ेगी और इसकी अच्छी बढ़वार आएगी। इसमें जो हम अब बात करते हैं कि हम खर्चे की, तो खर्चे के लिए अगर हमको कच्चा गड्ढा बनाना है किसान भाइयों, तो कच्चे गड्ढे में करीब 2,500 रुपया प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा आ जाता है। और जबकि जब हम पक्का उसका गड्ढा बनाते हैं इस तरह का, तो पक्के गड्ढे में करीब 4,500 रुपया प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से आ जाता है। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जब भी हम गड्ढे बनाएं तो कम से कम 2 जरूर हम गड्ढे बनाएं, क्योंकि 2 गड्ढे बनाने से हमारे पशुओं को लगातार हरा चारा मिलता रह सकता है। बाकी और भी कभी इस बारे में अगर जानकारी आपको लेनी है तो हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे निदेशक महोदय से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।